हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है और हम सबके लिए बहुत ही एनकरेजमेंट लाने वाला है, जिसमें एक बहुत ही छोटी सी कलाकार है एवेलिन ग्लेनिनी। तो एवेलिन ग्लेनी जो एक डेफ है, जो बहुत कम उम्र से जिसको सुनाई देना बंद हो गया, उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है जो हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है और एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल एक इवेंट है। जब वो सिर्फ 8 साल की थी और जब पियानो सिखाया जा रहा था जहाँ वो सीखने जाती थी मदर के सामने, जब उसका नाम पुकारा गया तो फर्स्ट टाइम उसकी मदर को रियलाइज हुआ कि एवेलिन जो है वो डेफ है, वो सुन नहीं पा रही क्योंकि उसने अपना नाम सुना नहीं। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई और वो अलग अलग जगह उसे दिखाने ले गई, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा था, जबकि उसका जो पैशन था म्यूजिक में लगातार बना हुआ था और बरकरार था। उसके बाद उसने एक बार ज़ैलोफोन बजाते हुए किसी को सुना, वो शायद 11 साल की उम्र थी उस वक्त उसकी, उसने उसी टाइम डिसाइड किया कि वो एक दिन इसे प्ले करके दिखाएगी। उसका रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त था, विल पावर बहुत ही शानदार थी, इन स्पाइट ऑफ हर वीकनेस ऑफ बॉडी, यू नो, फिजिकली यू नो डिसेबल्ड होने के बावजूद भी वो बहुत ही स्ट्रांग बच्ची थी और फाइनली उसने फिर वो प्ले भी किया। फिर आगे चल के देखते हैं, रैनफोर्स नाम के किसी आर्टिस्ट ने उसको सपोर्ट किया, दो बड़े बड़े ड्रम बजाकर, अलग अलग नोट्स पर, एक थोड़ा बड़ा ड्रम और दूसरा छोटा छोटा ड्रम बजाकर ये फील करना चाहा कि वो म्यूजिक को क्या समझ पा रही है। उसने इन ड्रम्स के बजते हुए एवेलिन के बॉडी में जो कंपन महसूस किया, उसको लगा कि ये काम कर रहा है, वो उसको फील कर रही है और एक दिन इसको वो एग्जीक्यूट भी करेगी इस प्लान पर। उसके बाद देखते हैं कि वो 12, 13, 14, 15 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने लगी और म्यूजिक को समझने लगी, ड्रम्स को प्ले करने लगी, ज़ैलोफोन बजाने लगी। फिर एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने इंग्लैंड का दौरा किया, जो बहुत ही अच्छा रहा, उसके लिए बहुत ही तारीफ मिली, यू नो, उसे बहुत ही एनकरेजमेंट मिल रहा था, बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा था। 16 साल की उम्र में जब हम देखेंगे कि उसने अपने करियर में म्यूजिक को प्रेफरेंस दिया, उसने म्यूजिक को अपना करियर चुनना चाहा और वो प्रूव किया कि वो ऐसा कर सकती है विद ऑल हर यू नो हार्ड वर्क, विल पावर, यू नो स्ट्रांग फेथ इन हर सेल्फ, अपने अंदर जो दृढ़ विश्वास था उसके दम पर वो ऐसा कर सकी। फिर आगे एक हिंट है, एज हर करियर सून परफॉर्म्ड एज ए सोलो परफॉर्मर। उसके बाद 16 साल की उम्र में वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, इससे पहले वो ग्रुप के साथ होती थी जहाँ पर उसके टैलेंट को इतना नोटिस नहीं किया जा सकता था या फिर शायद वो थोड़ी दबी रह रही थी, लेकिन जब सोलो परफॉर्मेंस करने लगी तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा, लोगों का कॉन्फिडेंस भी एवेलिन के अंदर बढ़ा। फिर देखते हैं 3 साल बाद उसने लगभग हर बड़े से बड़ा अवार्ड जीता, तो शी गॉट एवरी अवार्ड अबाउट दैट फील्ड, और इससे उसको और खुशी मिली, लेकिन फिर भी बहुत ही सिंपल रही, डाउन टू अर्थ रही। देखो मैंने लिख दिया है ये डाउन टू अर्थ, प्रॉब्लम विद द बियर टू सी द फेस एंड देयर एक्सप्रेशंस। थोड़ी बहुत समस्या उसे अभी भी हो रही थी, थोड़ा सा कॉमिक बात थी, हंसी की है कि जिनके दाढ़ी होती थी बड़ी बड़ी, उनकी बात को समझने में उसे दिक्कत होती थी। यहाँ बात लोगों के होंठों की थरथराहट की नहीं थी, थिरकन की नहीं थी, उनके वर्ड्स को पढ़ने की नहीं थी, वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहती थी जब दाढ़ी से चेहरा छिपा होता है, किसी के बातों को समझने के लिए सिर्फ होंठों को सुनना, लिप रीडिंग करना ही जरूरी नहीं है, फेस रीडिंग जरूरी है या सारे एक्सप्रेशन की रीडिंग जरूरी है, जिसके लिए दाढ़ी उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो उसमें भी उसने महारत हासिल की और लोगों के एक्सप्रेशन को समझा, फील किया, और जब वो परफॉर्म करने स्टेज पर जाती थी तो अपने जूते उतार दिया करती थी कि जूतों को उतारने के बाद वो स्टेज पर होने वाले कंपन को फील कर पाती थी और बीट के साथ परफॉर्म कर पाती थी। उसने ये भी फील किया कि कमर के ऊपर का हिस्सा है वो जो बड़े ड्रम हैं उनको फील कर पा रही है और छोटे ड्रम को कमर के नीचे के हिस्से पर फील कर रही थी, ठीक है। सो फाइनली वो बहुत बड़ी स्टेज परफॉर्मर बनी। एक कॉमेंट उनके बारे में है, एक एन रिचलियन है जो बिथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एक थी, एन रिचलिन, उन्होंने कहा कि शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि जो एवेलिन ग्लेनी है वो एक डेफ बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं
उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन की तरह, एक चमकती हुई प्रेरणा स्रोत है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, शी इज़ नॉट ओनली द शाइनिंग इंस्पिरेशन, शी इज़ अ वोकल इंस्पिरेशन, शी इज़ अ म्यूजिकल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसी बच्ची हम सब के लिए सिर्फ एक चमकती हुई प्रेरणा नहीं है, मैं कहना चाहूँगा एक मेलोडियस इंस्पिरेशन है, एक कवितामयी प्रेरणा है, एक यू नो म्यूजिकल प्रेरणा है, संगीतमय प्रेरणा है। और हम सबको ऐसे कैरेक्टर से इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि जब ऐसे बच्चे जो अपनी डिसेबिलिटी के साथ इतना सब कुछ कर सकते हैं, हम सब लोग अपनी एबिलिटीज़ के साथ जो हमें ईश्वर ने दी है सारी, उनके साथ हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमें और अच्छा करना चाहिए। सो विद दैट नोट आई मस्ट कंक्लूड द लेसन। आपको लेसन कैसा लगा बच्चों? आगे वीडियोस में हम आपके सिलेबस के और चैप्टर को भी एक्सप्लेन करेंगे और उनका सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थॉट के बारे में बताएंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।